पेनी स्टॉक टू बाई इन इंडिया, 10 पेनी स्टॉक 2023 में भारत में आप इसको बाई करके रख सकते हैं। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है दोस्तों। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बंद होने वाला है, बहुत सारे चैनलों पे हमें सुनने में आया, तो उनको ये भी बताना चाहिए दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया जब बंद हो जाएगा तो उन शेयर धारकों का क्या होगा, और वो जो शेयर धारकों के जो इन्वेस्टमेंट जो शेयर है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, कैसे होता है, ये भी बताना चाहिए। जी हाँ, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि वोडाफोन सर आइडिया बंद होगा क्या, तो वोडाफोन आइडिया बंद होगा कि कोई भी स्टॉक जब क्लोज होता है, कंपनी बंद हो जाती है, तो उस शेयर क्या होता है, कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, कैसे उन इन्वेस्टर को मिलता है वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या होगा, ये भी बताना चाहिए कि सिर्फ बता देने से कि वोडाफोन आइडिया बंद होगा, भारतीय एयरटेल बंद होगा, जियो बंद हो जाएगा, ये सब बता देने से कोई भी स्टॉक बंद होता है तो वो भी बताना चाहिए कि बंद होने के बाद क्या होता है। हम तो बताएंगे बताएंगे। चलिए पहले बता दें आपको कि 10 पेनी स्टॉक इन इंडिया कौन कौन है, और ये आपको आने वाले समय में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट बड़े इन्वेस्टमेंट बन सकते हैं। और ये आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया के बाद आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड, HFCL और जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड एंड GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड मोरेपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड, यस बैंक लिमिटेड। यस, अगर पहली बार आए इंटरनेट मुंबई में बीके सिंह चैनल पर, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और एक बात और दोस्तों, अगर आपके पास 100 रुपया है तो उसमें से 10 रुपया से ख़रीदारी शुरू कीजिए, और हर गिरावट में इन सभी स्टॉक्स को धीरे धीरे 100 रुपया पूरा कीजिए, मतलब 100% में 10% का अमाउंट ख़रीदारी कीजिए, फिर गिरता है तो फिर 10% 20%, ऐसे आप करके अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो एक एक्स्ट्रा ज़रूर बनाइए। दूसरी तरफ बहुत सारे अब लोगों को मन में शंका नहीं, विश्वास हो रहा है कि प्राइस जो हम बाई करते हैं डिलीवरी में वो होता नहीं है, ये अब धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है, धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है कि ये क्या खेल करते हैं नए शेयरधारकों को। और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बाद रहता है 64 रुपये 50 पैसा, तो आपको दिखता है 76 रुपये 50 पैसा। बहुत सारे, अगर इस तरह का वीडियो देखना है तो हमारा एक पिछला वीडियो ज़रूर है, उसमें भी देखिए। जी, एलिस ब्लू करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कुछ और बताता है, गूगल पे कुछ और बताता है, और इससे मन में शंका के बजाय और विश्वास हो जाता है कि ये खेल हो रहा है और 100% हो रहा है। तो इस पर ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, उसके बाद बाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, ईश्वर से हम यही कामना करते हैं दोस्तों।